सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास खबरां ते। अफगानिस्तान की स्थिति बेहद नाजुक दसदिआं भारत ने कहा कि जरूरी है कि तालिबान पाकिस्तान स्थित लश्करे तोयबा ते जैशे मुहम्मद समेत होर अतवादी संगठनों अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल अतवादी गतिविधियों लिए ना करन देण दे अपने वादे उत्ते खरा उतरे। संयुक्त राष्ट्र विच भारत के स्थाई प्रतिनिधि टी एस त्रिमूर्ति ने वीरवार को अफगानिस्तान से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक चर्चा में कहा कि अफगानिस्तान का गुआढ़ी होने के नाते भारत को पिछले महीने 15 मैंबरी सुरक्षा परिषद की अपनी प्रधानगी दौरान परिषद में ठोस और दूरदर्शी प्रस्ताव पास करने का मौका मिला। त्रिमूर्ति ने कहा कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में कहा गया कि अफगान खेत्र की वरतों किसी भी देश को धमकी देने या हमला कर अतवादी को पनाह देने लिए नहीं होनी चाहिए। जिमें कि पिछले महीने काबुल हवाई अड्डे उत्ते हुए अतवादी हमले में वेख्या गया तो अतवाद अफगानिस्तान लिए एक गंभीर खतरा बनया होया। अफगानिस्तान में नवी सरकार बनने तो बाद हुण दुनिया के देश तालिबान के समर्थन में आ रहे हैं। इस मामले में साउदी अरब ने अपनी पहली प्रतिक्रिया जाहिर करदिआं तालिबान सरकार का खुल के समर्थन किया है। इन्ना ही नहीं, यह भी कहा कि तालिबान के अंदरूनी मसले में किसी भी तरह की दखल अंदाजी स्वीकार योग नहीं होगी। इस गल का प्रगटावा विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद ने किया है। साउदी अरब ने कहा कि उसनू उम्मीद है कि एक निगरान सरकार दे आउण नाल युद्धग्रस्त खेत्र नू स्थिरता प्राप्त करन अते हिंसा अते कट्टड़वाद उत्ते काबू पाउण विच मदद मिलेगी। कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मिलीजुली संस्कृति नू भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS लगातार तोड़न की कोशिश कर रहे हैं, जिसनू उन्होंने बयान करन विच काफ़ी दर्द हो रहा है। राहुल गांधी ने पार्टी वर्करों को संबोधन करते हुए कहा कि वह काफ़ी निराश से दुखी ने कि जम्मू कश्मीर के लोगों से भाजपा और RSS धर्म के उत्ते खेत्र के नाम उत्ते वंडियां पाने की कोशिश कर रही है। दसणयोग है कि राहुल गांधी वीरवार को दो दिन यात्रा उत्ते पहुंचे, जिथे उन्होंने माता वैष्णो देवी मंदिर की पवित्र गुफा तक पैदल तुर के माता के दर्शन किए। उच्च पद्धरी वर्चुअल कोविड समीक्षा मीटिंग दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगामी त्यौहारों के मौसम के मद्देनज़र मौजूदा कोविड पाबंदियों 30 सितंबर तक वधाउण दे आदेश दिए ने, जिस विच मास्क पहनण दे नाल नाल समाजिक दूरियां समेत सख्ती नाल लागू होने वाले सारे इकट्ठा उत्ते 300 दी सीमा है। उच्च पद्धरी वर्चुअल कोविड समीक्षा मीटिंग दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्त कदम चुकते हुए ऐलान किया कि मैडिकल कारणों को छड्ड के किसी भी सरकारी मुलाजम ने COVID-19 की पहली खुराक भी नहीं ली तो उसनू 15 सितंबर तो बाद लाजमी तौर उत्ते छुट्टियां ते भेज दिता जाएगा। अध्यापक ते गैर अध्यापक अमला स्कूलों में जा सकता जेकर उन्होंने 4 हफ्ते पहला कोविड की पहली खुराक ली है, परंतु हफ्तावारी RT-PCR टेस्ट यकीनी होगा। मुख्यमंत्री वालों अध्यापक बच्चों के मापिया विक्रेतावान खाण पीण वाली मिठाइया दुकाना ढाबे से काम करने वाले स्टाफ को कोरोना की पहली खुराक जरूरी तौर उत्ते देने लिए कहा गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के शाही इमाम हजरत मौलाना हबीब उर रहमान सानी लुधियानवी के देहांत उत्ते दुख का प्रगटावा किया, जिन्हों का बीती देर रात लुधियाना के एक निजी हस्पताल विखे संखेप बीमारी तो पिछों देहांत हो गया। वह 63 वर्ष के सन ते अपने पिछे एक पत्नी एक धी ते दो पुत्र छड़ गए ने। अपने सोक संदेश विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शाही इमाम हजरत मौलाना हबीब उर रहमान एक अध्यात्मिक शख्सियत दसिया, जिन्होंने हमेशा ही लोगों दरम्यान प्यार शांति भाईचारे के स्नेह का प्रसार किया। साबका IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा नूं कौमी घट गिणती कमिशन का चेयरमैन बनाया गया। अज उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। इस मौके उन्होंने बधाइया मिल रही ने। साबका संसद मैंबर तरलोचन सिंह ते जागो पार्टी के प्रधान मनजीत सिंह GK भी उन्होंने बधाई देने लिए पहुंचे। वाहिगुरु का शुक्र है कि उन्होंने मैनू इस योग समझिया कि मैं कोई कौम की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा कर सकदा, और जो भी जिम्मेवारी मैनू दिती गई है सरकार वालों, मैं उन्हों तनो मनो जिहड़ा इंसानियत नू सामने रख के, इंसाफ नू सामने रख के, ईमानदारी नू सामने रख के पूरी करन दा यतन करांगा। पहली गल तां इह है कि सानू अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। जदों इतिहास ने जिथे गलती की है उस गलती नू दूर करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने यतन किया, जे दिल्ली दंगे हुए है तो पीड़ितों नू जिवें नकवी साहब ने दस्या उन्होंने मायक तौर पर भी मदद की है, और जिहड़े दोषी है उन्होंने सज़ा कराने लिए SIT-ां भी बनाईया। सज्जन कुमार जी अज जेल च ने, उहदा कारण यही है कि उन्होंने जिहड़ी है प्रधानमंत्री जी ने काम किया। बहुत अच्छा होया, देखो
मैं इस कमीशन च रहा सन 2002-2006 6 साल। सो अज 15 साल बाद एक सिख नू सिख क्योंकि जिन्या मिनारटीज न उन्होंने सिख शामिल है। सो ये दूजी बार है इन दी हिस्ट्री ऑफ कमीशन कि एक सिख नू ये चांस मिले टू बी चेयरमैन। लालपुरा जी इज़ वेरी कंपीटेंट मैन क्योंकि बहुत साल पुलिस रहे, बड़े अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा इन्हों का पब्लिक सेवा है। सो मैं उम्मीद है क्योंकि इशू बड़े पेंडिंग पे, एक कमीशन खाली पे थी बड़े चिर तो कोई चेयरमैन नहीं सी। सो मैं तो उम्मीद है कि वो इशू इतने इनवा कि कमीशन को बड़ी पावर है और इफेक्टिवनेस बड़ी है, पर डिपेंडिंग मान तो आई मैं उम्मीद है कि लालपुरा जी सारे सेवा कर सक। मैं समझता वा कि सरदार त्रिलोचन सिंह तो बाद ये तकरीबन कई साल बाद ये अज दूजा सिख मिलिया और मिनोरिटीज़ कमीशन दे विच ज़्यादातर इस्लाम धर्म तो चेयरमैन लए जाते हैं और सिख जड़े ने वो दूजा नंबर दी मिनोरिटी ने इंडिया दे विच और इन्हां नू सर लालपुरा होरां नू ये IPS रहे ने उस वेले रहे ने जदों पंजाब दे विच बड़ा तशद्दत और आतंकवाद होया, लेकिन इन्हां नू अकाल तख्त साहब ने सन्मानित किया सीगा। इक्को एक IPS अफसर ने जिन्हों अकाल तख्त साहब ने सन्मानित किया सीगा। साढ़े जिहड़े इशूज़ ने असी हमेशा मिनोरिटी कमीशन के अगे लैके आने, इहो जिहे बंदे दे बनन दे नाल जिहड़े आप राइटर भी ने जिन्हां ने कई धर्मां दा अध्ययन किया होया है, मैं समझदा कि इस नाल साडी इशूज़ नू बल मिलेगा और सरकार दे विच असी अपने इशूज़ बेखौफ होके रखांगे और मनवावांगे। जथेदार सिंह साहिब रणजीत सिंह गौरे मस्कीन दे तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब विखे बतौर जथेदार सेवा निभाते हुए 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके तख्त श्री पटना साहिब कमेटी के प्रधान जथेदार अवतार सिंह हित, जनरल सकत्र इंद्रजीत सिंह, बाबा गुरनाम सिंह कार सेवा वाले वालों 5 प्यारे साहबान की हाजिरी में उन्होंने सिरोपाओ भेट करके सम्मानित किया गया। इस मौके तख्त साहिब कमेटी के सीनियर मीत प्रधान जगजोत सिंह सोही, मीत प्रधान लखविंदर सिंह, सकत्र हरबंस सिंह, बुलारे सुदीप सिंह समेत बिहार सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सूरज सिंह नलवा भी मौजूद रहे। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆ ਗੋਲਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, UP ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋਜੂ, ਕਰੋਨਾ ਖਾਜੂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਗੜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਣਕ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਅਤੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਨੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ, ਇੰਨੀ ਸਿਰਦਰਦੀ, ਇਹਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਕਲੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਖਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਪੰਥੋਂ ਲਾਉਣ ਦਿਨਾਂ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ, ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮਨੀਸ਼ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ
सिंगराज अदाना फरीदाबाद के संसद मैंबर कृष्णपाल गुजर ने सम्मानित किया। दस दिए कि दिल्ली विच उनकी रिहायश उत्ते खिडारी सम्मानित किया गया। इस मौके उन्होंने खिडारी वधाई भी दी। मित्रों, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज मेरे लोकसभा क्षेत्र के दो नौजवानों ने दुनिया में भारत का तिरंगा फहराने का और भारत को मान और सम्मान दिलाने में जो भूमिका अदा की है, उसके लिए मैं उन दोनों नौजवानों को, मनीष नरवाल और सिंगराज अधाना को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से ये मुकाम हासिल किया है, तो आज न सिर्फ फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को इन दोनों नौजवानों पर गर्व है। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और आज मुझे इनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इन नौजवानों से प्रेरणा लेंगी और देश के लिए और अच्छे नौजवान इन खेलों में, ओलंपिक में, आने वाले समय में इनसे प्रेरणा लेकर देश का नाम और रोशन करेंगे, ऊंचा करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मेडल जीतने के बाद सर अच्छा लगा था, और जैसे हम यहाँ पे आए तो मंत्री जी ने हमारा स्वागत करा और हमारे साथ ब्रेकफास्ट किया और एक अच्छे लीडर की तरह हमें मतलब सम्मानित किया, तो बहुत ही खुशी का पल है हमारे लिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने वड्डा ऐलान करते हुए किसान कचहरी तो बाद कहा कि चोणों के रस्मी ऐलान तो पहला चोण प्रचार करने वाली पार्टी किसान विरोधी होगी। दरअसल किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल समेत संयुक्त किसान मोर्चा के वड्डे किसानी आगुओं वालों चंडीगढ़ विखे सियासी पार्टियों मीटिंग की गई, जिस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने वड्डा बयान देते हुए कहा कि जदों तक चोणों का रस्मी ऐलान नहीं होंदा उदों तक कोई भी चोण प्रचार या रैलियां ना कीतियां जाण। पंजाब च शांति बना के रखने लिए चोण प्रचार बंद होना जरूरी है। उन्हें कहा कि जेकर कोई समाजिक काम लिए किसी के घर जा रहा है तो उसनू नहीं रोकया जाएगा। उन्हें भी कहा कि सारिया पार्टियां वालों इस उत्ते सहमति मंगी गई सी, पर अकाली दल ते कांग्रेस की पार्टी वालों सही राय नहीं दिती गई है। हाईकोर्ट वालों 2022 दीआं चोणां तक पंजाब दे साबका डीजीपी सुमेत सैनी की गिरफ्तारी उत्ते रोक लगा दी गई है। फैसला जज अरविंद सांगवान वालों लिया गया। दस दिए कि बीते दिन 18 अगस्त को साबका डीजीपी सुमेत सिंह सैनी को गिरफ्तार किया गया, जिस दौरान अगले दिन ही हाईकोर्ट वालों गिरफ्तारी गैर कानूनी और इसके द्वारा जारी किए गए वख-वख निर्देशों के विरुद्ध वेखण तो बाद सैनी रिहा कर दिया गया। पंजाब सरकार वालों गिरफ्तारी रद्द होने उत्ते रिकॉल पटीशन पाई गई सी, जिस उत्ते सुनवाई करते हुए सैनी ने जवाब दाखिल करने लिए कहा गया। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रिष्टाचार के एक मामले में साबका डीजीपी सुमेत सिंह सैनी की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पटीशन दायर की सी। अमृतसर में अज भारी मीह पिया। अमृतसर के सचखंड श्री हरिमंदर साहब में जाते रस्ते हैरीटेज स्ट्रीट विखे बरसाती पानी कारण ट्रैफिक समस्या की वीडियो वायरल होने तो बाद अमृतसर के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह दुग्गल नंगे पैरी हैरीटेज स्ट्रीट विखे पहुंचे और ट्रैफिक की समस्या नाल जूझ रहे लोगों की मदद करने लिए अगे आए। इस मौके उन्होंने कहा कि उनकी ड्यूटी सी कि लोगों को अजिहां मुश्किलों तो निजात दवाई जाए। मान है अपनी अमृतसर सिटी पुलिस की सारी टीम से, खास तौर पर ट्रैफिक वाले की ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा औखी हो जाती है। यहोजे माहौल देख सकते हो, इन्ना पानी भी है वो खड़ के साढ़े जोड़े जवान है ट्रैफिक के, ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं ताकि जोड़े यात्री है, पिलग्रिम्स है, जो श्रद्धालु है वो अमृतसर आते हैं गोल्डन टैंपल मत्था टेकन, उन्होंने वास्ते बिल्कुल सुखावा माहौल बनया रहे। मैं बहुत माण है अपनी टीम से, खास तौर पर ट्रैफिक जवानों से, वो इस तरीके ही हर पास ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो यात्री है श्रद्धालु है वो बिल्कुल अवेलेबल होकर अपना किसी ट्रैफिक हर्डल को दरबार साहब मत्था टेक।
दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा से जनरल सकत्र हरमीत सिंह कालका ने कहा कि डायरैक्टोरेट गुरद्वारा चोणा नरेंद्र सिंह ने गुरद्वारा एक्ट की उलंघना करके कल कोऑप्शन की चोण मुलतवी की है। प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदे सिरसा से कालका ने कहा कि एक्ट के मुताबिक पहला चार तख्तों के जथेदारों की चोण कमेटी में होंगी है, फिर श्रोमणी कमेटी, फिर सिंह सभावां के दो मैंबर की चोण लाटरी के रूप में, अखीर में कमेटी के अपने मैंबर कोऑप्शन मैंबर चुनते हैं। पर डायरैक्टर नरेंद्र सिंह ने पहला गिणी मिथी स्कीम तहत आते सार सिंह सभावां के मैंबर की लाटरी नाल चोण बारे इतराज पूछे, जो कि एक्ट मुताबिक नहीं पूछे जा सकते। फिर सरना भरावां ने इतराज किया, चोण मुलतवी कर दी। उन्हें कहा कि वह इस मामले में कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की अहम कॉप्शन की इलैक्शन सी, जिसके अंदर एज पर द एक्ट सब तो पहला चार सिंह साहिबाना का नाम नॉमीनेट होना सी। उस तो बाद श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के नॉमिनी का नाम नॉमीनेट होना सी। उस तो बाद सिंह साहिबावां की दो मैंबर साहिबाना का नाम नॉमीनेट होना सी ड्रॉ के रूप अंदर, और उस तो बाद दो मैंबर साहिबाना का कॉप्शन के रूप से नाम आना सी। पर क्योंकि नरेंद्र सिंह जो कि डायरैक्टर, मैं बार बार पहला भी कहा सी, एक मोस्ट करप्ट अफसर आ, विकाऊ आ, पैसे ले हुए ने, एक्साइज एंड टैक्सटेशन अंदर भी पैसे लैके उत्थे पहुंचा है, और सरकार के दबाव के नाल नाल पैसे लैके साडे मैंबरां नूं खरीदण तक की कोशिश की। पिछले दिनों साडियां डीलिमिटेशन कीतियां, साडा सिंबल खोया, नकली वोटां बणाईआं, इन्हां सारिआं नूं उहदा पेट नहीं भरिया। हुण उहने कल पहला 6 तरीक नूं साडे इक मैंबर सरदार आत्मा सिंह लवाणा जी नूं 2 करोड़ रुपया ऑफर किया, क्या कि मैं तैनूं सरनिआं तों 2 करोड़ रुपया दवाउणा है, तो उन्होंने वोट पा दे, उन्होंने साथ दे दे। इन्हों को चाह सी सामने जी पई सी, उन्होंने उस कप में हाथ मार के बाहर सुटिया, ऑफर किए पैसे, और नाल ये भी किया कि जेकर जो ऑफर किए इन्होंने फिर उन्होंने मना करने बाद कहता है कि मैं तेरे मैंबरशिप जी खारिज कर सकता, मेरे को पावर आ, तेरी मैंबरशिप रहूगी नहीं। और बाहर जाने लग्या शाम को 5 बजे इन्होंने गाला कड़ता गया है, और कहता पैसे तो तेन मिले नहीं, इज्जत तेरी रहन देनी, तेनों हुण माफ़ करना, मैनूं अल्फाज बोलना चाहिए, इत्थों तक घटिया अल्फाज बोलिया है। कहिंदा जुत्तियां पैणगियां, साडे मैंबर नूं कह रहा, साडे सत्कारयोग मैंबर दे प्रति इहो जिहे घटिया अल्फाजा दा इस्तेमाल किया है कल इस घटिया डायरैक्टर ने। नरेंद्र सिंह ने इस तरह साडे एक दूजे मैंबर ने सरदार रविंदर सिंह स्वीटा, उन्हां नूं भी 2 करोड़ रुपया ऑफर किया कि होर भी जिहड़ा तुहाडा मैंबर उहनूं को साथ दे दे, ते तुसीं परमजीत सिंह सरना दा साथ दिओ, तुहानूं 2 करोड़ रुपया दित्ता जाऊगा। इस दे नाल ही बदरपुर दा SHO जिहड़ा है उहने साडे इक मैंबर नूं थाणे बुलाया, जिथे परमजीत सिंह सरने दा मुंडा बैठा सीगा, उहने भी इही गल कही बुला के कि जो तुसीं पैसे लैणे आ तुहानूं पैसे दवा दिंदे आ, परमजीत सिंह सरने दा साथ दिओ। इसे तरह मोती नगर दे SHO ने भी साडे इक मैंबर नूं थाणे बुलाया, बुला के कहा कि जो तुसीं पैसे लैणे लो, असीं तुहाडा साडा परमजीत सरने दा साथ दिओ। इस कदर खरीदा फरोखत पिछे तड़पे पे ने 18 मैंबर के लोग जोड़े ने, वह कमेटी बनाने का सुपना देखते पे, सुपने देखने का हरेक अधिकार असं रोक नहीं सकते। देखो होर वे वे देखो ना, गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो बख्शिश है उत्ते विश्वास, ना संगत के मैंडेट पर विश्वास, ना ही गुरु के सरकार के और पुलिस के माध्यम तो दबाने की कोशिशा करते पे ने। कल डायरैक्टर ने जो किया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल आ, जिसकी शिकायत असी प्रधानमंत्री नूं भी, देश के गृह सचिव नूं भी, लैफ्टिनेंट गवर्नर नूं भी असी कल गल की आ, असी उन्हों भी कहा जां ते साडा सुन के इहदे ते कार्रवाई करो, मुकदमा दर्ज करो। असी कल रात नूं 11 बजे पुलिस स्टेशन IP स्टेट अंदर भी ये सारी कंप्लेंट दर्ज कराई है, जो जो इन्होंने पैसे ऑफर किए ने और जिस जिस तरीके साडे मैंबरां धमकियां दित्तियां गईयां। लेकिन मैनू इस गल की बड़ी खुशी आ कि गुरु साहब की कृपा सदके मैं याद करना चाहना है, दोवें सबका प्रधान मैं नाम लेना पसंद नहीं करता इन्हों का, क्योंकि इन्हों का कोई किरदार नहीं है, एक दूजे ने सवेरे शाम गाना कढ़ते हैं, उदों बाद इलैक्शन गाना कढ़ते हैं, फिर जफ्फियां पाते हैं, इहो जे लोग जिन्हां का किरदार ना हो, जिन्हां ने एक दूजे के माँ बाप के बारे अल्फाज माड़े बोले हो, जिन्हां ने एक दूजे दियां पग्गां लाईयां होण,
जिन्होंने एक दूजे दी कृपाना मारियां हुण वह लोग जो माया नूं देख के एक दूजे जप्पी पा लेंदे इहो जिहे लोगों का नाम लैना चंगा नहीं लगता इन्हां दा किरदार नहीं कि असीं नाम लईए पर मैं कहना चाहुंदा दोवें प्रधानां नूं 30-30 मैंबरां दे मैंडेट के बावजूद तुसीं इन्नी कोशिशां करके देख लिया क्योंकि तुहाडे कोल मैंबर तुहाडे वेले हुंदे ही विकाऊ सीगे ये साढ़े मैंबर जिहड़े ने ये कौम के हीरे ने यह कौम की लड़ाई लड़न वास्ते आए हैं ये देश और दिल्ली के अंदर जो सिखा बेइंसाफी हो रही है लड़ाई लड़न वास्ते आए हैं ये तुहाडे वरगू कांग्रेस की झोली चुकण सरकार के पैरां च बहण वास्ते नहीं आए एक भी मैंबर नूं इन्ने लोभ लालच देण दे बाद इन्हां ते मैंबर थुक्कण जांदे ने वल और जिस तरीके कल डायरैक्टर ने वतीरा किया है उस नूं लैके जिथों तक भी जाना पवे जावांगे पर यह जनतक तौर पर अनाउंस कर रहे हैं डायरैक्टर का खमियाजा भुगतना पेगा अपनी नौकरी गवा के खमियाजा भुगतना पेगा नौकरी का छड़ांगे नहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जद तो एक्ट बनया 1971 तो यह 8वीं इलैक्शन हो रही है 7 इलैक्शन पहले हुई हैं 1975 तो लैके 1979 जो उस तो बाद 1995 दे विच उस तो बाद 2002 2007 2013 2017 ते 8वीं इलैक्शन हुई है और एक भी इलैक्शन इहो जिहा कदी नहीं होया कि इन्नी बुरी तरीके दे नाल तजिया उड़ाती गई हुण कॉन्स्टिट्यूशन दियाँ एक्ट दियाँ एक प्रोसैस है इलैक्शन कंडक्ट करन दा ऑप्शन दा जिहड़ा एक्ट दे विच भी लिखिया है और अज तक हमेशा यही हुंदा आया है कि जिहड़ा पहली जिहड़ी उत्थे एक ऑप्शन होनी है सिंह साहिबां दी होनी है उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नॉमीनी दी होनी है उस तो बाद जिहड़ा कि ड्रॉ निकलना और उस तो बाद ऑप्शन होनी है सानू पता सी कि सरदार नरिंदर सिंह जिहड़ा डायरैक्टर है इन्हां दी नीयत दे विच क्योंकि लगातार असी देखते आ रहे सी जो इन्होंने सिंबल तो लैके डीलिमिटेशन और ये सारे काम किए हैं असी गुरद्वारा इलैक्शन के अलावा असी इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नू जिहड़ा चिट्ठी लिख के उत्थों बंदे बुलाए कि सानू इस ते भरोसा नहीं है और इलैक्शन तुसीं आके कंडक्ट कराओ इन्होंने की तरीका किया कि जिस वक्त वो इलैक्शन कमीशन के बंदे आ गए क्योंकि यदि पोल खुल सकती सी इन्हें सब तो पहला जिहड़ा चौथे नंबर पर स्टैप होना सी कॉप्शन का उन्हें सब तो पहले कराया सिंह साहिबां दी कोई कॉप्शन नहीं की गई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नॉमीनी की कोई कॉप्शन नहीं की गई कोई ड्रॉ नहीं कढ़िया गया और पहले चौथे नंबर वाले काम नूं पहले नंबर पर कराया ताकि वह जिहड़े इलैक्शन कमीशन तो बंदे आए वो चले जाण और उस तो बाद अपनी मनमानी मनमर्जी कर सके जिस तरीके दे नाल पहली बार असी दुनिया दे विच देखिया कि इलैक्शन हो रही होए और गुरुद्वारे की जिस वक्त पर्चिया पैन की गल हुई तो उत्थे पुछदा किसी नूं कोई ऑब्जैक्शन तो नहीं है जब ऑब्जैक्शन का समा निर्धारित किया गया दसिया गया कि 4 दिन तक तुसीं इस दे उत्ते ऑब्जैक्शन किए जाओ उस तो बाद उहदी अमेंडमेंट्स होईयां सी उस लिस्ट तैयार हुई 75 अमेंडमेंट्स होईयां उहदे विच एक रात पहले उन्हें डिस्प्ले किया गया तो अज नरिंदर सिंह नूं उत्थे पुछण दा की इख्तियार सी लोगों को कि इहदे विच कोई ऑब्जैक्शन नहीं है ऑब्जैक्शन का नाम दे के वह पहले तैयारी करके आए सी सरदार हरविंदर सिंह सरना और उन्होंने साथियों ने 5-6 एप्लीकेशन दीतियां जी सानू ऑब्जैक्शन है और असी इलैक्शन उसी वक्त रद्द करता गया ना नॉमीनीज के बारे गल की जथेदार अकाल तख्त साहब जथेदार जिहड़े भी 4 तख्तों के जथेदार ने उन्होंने बिल्कुल साइड ते करके पहले ऑप्शन करके क्योंकि इक्को एक मोटिव सी कि सरदार परमजीत सिंह सरना मैंबर उस कल के डेट के बनाना सी सो ये धक्केशाही चलाने की गल की और बड़ी कोशिश की असी बड़ा मनाया क्योंकि ये प्रोसैस 12:30-1 खत्म हो गया मगर 5:30 तक जिस तरीके दे नाल असी उस ते दबाव पाया कि सानू लिखित रूप दे विच लिख के दसो कि तुसीं अज दी इस मीटिंग नू किस तरीके नाल अर्जेंट कर सकते हो तुहाडे कोल कई इख्तियार है कि तुसीं अज किसी कोलो इहदे डिटेल्स मंग रहे हो जिहड़ी तुहाडे कोल ऑब्जेक्शन हैगी है मगर उहदे कोल कोई जवाब नहीं सी उस दे विच इहने 2 वार इहने फोन करके सरना साहब नू उत्थे बुलाया क्योंकि वह किसी ना किसी तरीके दे नाल जिस तरीके दे नाल तुहानू सिरसा जी ने दसिया कि मैंबरस नू पैसे दे नाल रह के हाउस ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे सी उन्हां दा मकसूबा पूरा नहीं हो रहा सी मगर उन्होंने इस टाइम नू लिंगर ऑन करते हुए 5:30 इस वक्त साढ़े दबाव के बाद असी लिखित रूप में मंगया ए पिछले दरवाजे तो उत्तों भजन की गल की इन्होंने और जिस तरीके दे नाल मैनू नमोशी इन्नी हुई है कि सरदार परमजीत सिंह सरना मैंबर बने 18 वोटां पईआं उस तो बाद बाहर मिठाइयां वंडियां गईआं सरदार मनजीत सिंह जी के जिस तरीके दे नाल वधाइयां लै रहे दे रहे है मैनू याद आ रहा है कि अज तो 8 साल पहला इसी हॉल के बैठ के सरदार मनजीत सिंह जी के शोर मचाते होंगे सी कि सरदार परमजीत सिंह सरना ने हॉस्पिटल वेचता
300 करोड़ रुपए का। तुसी मीडिया वाले ने सारे ने कवरेज की है, तुसी सुनिया कि सरदार परमजीत सिंह सरना ने बंगला साहब की पार्किंग बेचती, गुरु तेग बहादुर साहब के इस स्थान गुरद्वारा रकाबगंज साहब की 2.25 करोड़ की मिट्टी बेच के सरदार परमजीत सिंह सरना 1984 की लड़ाई जी अकाली दल लड़ता आया उन्होंने खत्म करने की जी उन्होंने कोशिश की है, लोगों के बीच कहा कि तुम ये हूँ 84 भूल जाओ। ऐसी स्टेज के उत्तर सरदार मनजीत सिंह जी के गल करते होंगे सी, मगर कल अज उन्होंने वोटा पा के साबित करता कि सिर्फ तो सिर्फ सियासी लाह लैन वास्ते सरदार मनजीत सिंह जी के का अपना मनसूबा और जेडे उन्होंने घर पैसे पहुँचे है, क्योंकि सिर्फ तो सिर्फ उन्होंने मोटिव पैसा है। जिस वक्त उन्होंने संगत ने चुन के प्रधानगी भेजी पैसे करके गोलू की गोलखा लुटिया और ये कल उन्होंने साबित करके दिखाता। और दूसरे पास सरदार परमजीत सिंह सरना जिन 3 वोटों के नाल मैंबर बंदे है, पहली गल तो उन्होंने नमोशी होनी चाहिए है, शर्मसार होना चाहिए है कि जिस दिन वो इलैक्शन जीत के आया उन्होंने को 19 मैंबर से, कल 18 मैंबर लैके वो भी 3 वो बंद की विसाखी से चले 18 जोड़ा ऑप्शन सानू दे के गया 18 चो वो भी सानू सैकेंड ऑप्शन पा के गया। सो मैं समझदा कि जिस तरीके दे नाल कल सरना साहब ने भी खुशी मनाई है, सरना साहब ये वही मनजीत सिंह जी के जिसते 2.5 साल पहले तुसी चोरी के इल्जाम लाए, तुसी इहदे पिता जी के उत्ते चोरी के इल्जाम लाए सी, तुहाडा सैकटरी जनरल सरदार जतेंद्र सिंह शंटी जिहड़ा उन्हें सरदार मनजीत सिंह जी के उत्ते सारे ही चोरिया के पर्दे खोले और तुसी किरपाना मारिया सरदार मनजीत सिंह जी के नू, यह अज उहदी वोटा लैके तुसी खुश हो रहे हो कि यह 3 वोटा के नाल असी सारे एक पासे हो गया, मगर मैनू इन्नी जिथे नमोशी हुई है उस तो वध कई गुणा खुशी है कि श्रोमणी अकाली दल का एक एक सिपाही ने अपना फर्ज निभाया, अपनी वोट जिस तरीके दे नाल असी कह गई सी साढ़े दोनों कैंडीडेट सरदार विक्रम सिंह रोनी और सरदार जसविंदर सिंह जौली जी नूं पाई जाए उस हिसाब नाल एक एक वोट पदरी है। मैं उन्होंने बधाई देना और सरदार विक्रम सिंह रोनी अज बैठे साढ़े नाल जिन्हां नूं असी नामजद किया अपने हक के नाल अपनी पार्टी की वोटा के नाल यह बंदा मैंबर बनया ना कि किसी के विसाखी के उपर बनया। सो मैं इन्हों भी बहुत बहुत बधाई देता। श्रोमणी अकाली दल बादल के आगू आत्मा सिंह लुबाणा ने गुरद्वारा चोन डायरैक्टोरेट नरेंद्र सिंह उत्ते जूता सुट्टिया सी ते इस मामले में नरेंद्र सिंह की शिकायत उत्ते आत्मा सिंह लुबाणा समेत दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका ते कई लोगों उत्ते FIR दर्ज की गई है, जिस बाबत आत्मा सिंह लुबाणा ने बयान दिता। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत बयानी की गई सी जिस कारण उन्होंने अजिहा कदम चुकना पिया। इस तरह हैगा कि मैं 6 तरीक नूं उन्हां दे ऑफिस गया सीगा, गुरद्वारा सिंह सभावां दा जिहड़ा 1-2 ऑब्जेक्शन सी मेरे वह क्लीयर कराण गया सीगा, ते मैनूं इन्हां ने बिठाया बड़े प्यार दे नाल, मैनूं इन्हां ने चाह भी पिलाई, मैनूं चाह दित्ती ते मैनूं गल कर रहा सीगा कि तुसीं इह जिहड़ी वोट हैगी है सरना साहब नूं पाउणी है ते तुहानूं बहुत वड्डी रकम तुहानूं मिलेगी, लगभग 2 करोड़ के आस पास तुहानूं पैसे मिलणगे, तुसीं इह वोट अपनी पा दो ते तुसीं मौजा लो के तुसीं की लैणा हैगा। ते मैनूं बड़ा गुस्सा आया, मैं चाह दे गिलास नूं उत्थे पीच के उत्थे उहदी टेबल ते ही सुट्टता, मैं एक घूट भी चाह नहीं पीती, मैं चुप करके आ गया। मैं कहा यार इहने अज गली की हैगी, मैं मजाक ही टाल गया, मैं कहा शायद इह मेरा व्यू लै रहा होए, मैं चुप करके आ गया। कल ऑप्शन होनी सी, इन्हां ने सानू इनविटेशन दिता हैगा और उस दिन तो ही मैं समझ गया सी, मैं सिरसा जी नूं कहा सीगा कि भई ये नरेंद्र सिंह दे जिहड़े तेवर ने वो ठीक नहीं हैगे साडे बारे, वो बहुत वड्डा नुकसान करेगा पार्टी नूं, ते इहनूं जरा संभाल लो, इहनूं मिल लो, ये बहुत ठीक नहीं हैगा। मैं लेकिन मैं इन्ना समझ नहीं पाया सीगा कि यह जो रूल हैगा एक्ट हैगा, एक्ट के मुताबिक इन्होंने कॉप कराने कॉप्शन करवानी हैगी है। इन्होंने शुरू तो ही अकाल तख्त जथेदार नॉमीनेशन नहीं किया, असी कहा कि यह कराओ, इन्हें कहा नहीं कि रुक जाओ असी बाद कराने, एक्सपर्ट बुलाए ने बहुत वड्डी रैंक के अफसर ने एक करा देन, ए वैल्यूएशन निकालेंगे सैकेंड चॉइस की यह निकालेंगे, तो इस करके एक बोर्ड की उन्होंने कीमत जी है 100% एक 100 वोटों की एक वोट उन्होंने रखी है एक चॉइस की, और सैकेंड चॉइस का उन्होंने वैल्यूएशन अलग तो रखा सीगा, उन्होंने कहा यह 2 एक्सपर्ट असी भारत सरकार तो मंगाए ने, यह कर लैन दो फिर बाद करने हैं। एक पासे पंजाब सरकार नौजवानों नौकरी देने लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रही है, दूजे पासे जलंधर स्टूडेंट संघर्ष मोर्चा वालों रोजगार गरंटी एक्ट लागू करवाने लिए रोस मार्च कढ़िया गया।
इस मौके उन्हें कहा कि सरकार नौकरियां देने के नाम उत्ते ऐलाने रोजगार गारंटी एक्ट नूं लागू करे। जलंधर के रतन नगर च वीरवार देर रात इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जिथे घर में किराए के मकान में रह रही औरत की बीमारी नाल मौत हो गई, जिसके बाद धीआं हस्पताल तो लाश घर लेके आईया तो मकान मालिक ने उन्होंने घर के अंदर लाश लियाउण तो रोक दिता। आखिरकार पुलिस पहुंची और लाश को अंदर रखवाया। एक पासे जिथे औरत के परिवार वाले औरत की मौत नाल दुखी सन, उत्थे ही मकान मालिक की मनमानी कारण उन्होंने होर दर्द भी झलना पिया। जलंधर च चोरी दीआं वारदातां लगातार वापर रहीआं ने। इस दौरान जलंधर के विवेक नगर च चोरां ने घर च वड़ के चोरी की वारदात नूं अंजाम दिता। चोर घर विचों चांदी के गहने LCD ते होर समान चुक के फरार हो गए। पुलिस वालों CCTV फुटेज के आधार उत्ते मुलजमां की तलाश की जा रही है। लुधियाणा पुलिस नूं उस वेले वड्डी सफलता मिली जदों लुट्टा खोहां करन वाले गिरोह के 5 मैंबरां नूं पुलिस वालों काबू किया गया। पत्रकारां नाल गलबात करदे DCP ने कहा कि 5 दोषी पिछले लंबे समय तो लुटा खोहां करते सन, इन्हां उत्ते कई मुकदमे दर्ज ने। श्री आनंदपुर साहब च वापरे सड़क हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार कैंटर के कार नाल टकराउण कारण वापरिया। पहला कैंटर ने कार नूं टक्कर मारी अते फिर एक ट्रक नूं टक्कर मारी ते अगे जाके पलट गया। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए ने, जिन्हां नूं इलाज लई हस्पताल विच भर्ती करवाया गया। गिदड़बाह तो विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पिंड लुंडेवाला विखे 47 लाख की लागत नाल छप्पड़ दे नवीनीकरण दा नींह पत्थर रखे। इस मौके उन्होंने कहा कि हल्के विच विकास कार्य जंगी पद्धर उत्ते कीते जा रहे हैं। इस मौके उन्होंने कणक के MSP विच कीते 40 रुपए के वाधे बारे बोलदे कहा कि केंद्र वालों पखंड किया गया। उन्होंने कहा कि MSP बेशक ना वधाउंदे पर काले कानून रद्द कर देण। जांदे जांदे नज़र मारदे आने वाले कल के मौसम के हाल उत्ते